हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से फाइनेंशियल न्यूज के साथ। तो आज सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। मार्केट पहले खुला वो काफ़ी नीचे रहा, निगेटिव था, लेकिन उसी तरह से बाउंस बैक किया। आज मार्केट का मूड थोड़ा अच्छा रहा और सेंसेक्स 222 पॉइंट ऊपर और निफ्टी 67 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें जो कि कल, अगर आपको याद हो तो कल मार्केट काफ़ी नीचे लास्ट टाइम में इंटर कर गया था और मार्केट नीचे रहा था थोड़ा। तो आज के दिन में मार्केट के लिए अच्छी शुरुआत रही। शुरुआत में कुछ ना कुछ रिकवर करते हुए मार्केट लास्ट में अच्छे से बंद हुआ। खैर, आगे बढ़ते हैं। इधर WHO ने कहा है कि अभी उनको कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि ये जो कोरोना वायरस है वो लैब से पैदा हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत तरह की थ्योरी चल रही है, बहुत तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि चाइना लैब कैसे वुहान से बाहर आया। तो उसको अभी दरकिनार करते हुए WHO ने क्लियर कर दिया है कि देखिए, अभी किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं है। इधर IMF ने कहा है कि भारत ने जो COVID-19 के लिए जितनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है वो काबिले तारीफ़ है और बहुत ही अच्छा है और दुनिया को एक मॉडल दिया जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि अच्छी तरह से जो हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है उसको अच्छा देखा जा रहा है। इधर BCCI ने कहा है कि जो IPL 2020 है उसको अभी फ़िलहाल कैंसिल कर दिया गया और नेक्स्ट कब इसको ऑन किया जाएगा उसके नोटिफिकेशन आने पे ही पता चलेगा। यानी IPL जो लवर हैं उनके लिए अभी कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट के हालात अच्छे नहीं है कि ये हो सके। इधर चाइनीज़ एक्सपर्ट का कहना है कि हो सकता है कि COVID-19 फिर दोबारा नवंबर में चाइना में हमला कर सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि सेकेंड टाइम अटैक। अटैक का मतलब ये नहीं है कि किसी तरह की लड़ाई, लेकिन हो सकता है कि कोरोना वायरस दोबारा चाइना में देखा जा सकता है नवंबर के टाइम में, ये वहाँ के एक्सपर्ट मान रहे हैं। इधर नाइट फ्रैंक और फिकी ने एक रिसर्च किया है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि जो रियल एस्टेट का सेंटीमेंट है वो आज तक का लोअर है, इतना लोअर कभी नहीं रहा। यानी कि रियल एस्टेट मार्केट के लिए अभी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, लोगों का मोटिवेशन नहीं है और इतना सेंटीमेंट डाउन तो उन्होंने अपने सर्वे के हिसाब से बताया कि उन्होंने कभी नहीं देखा है। इधर ई कॉमर्स के लिए एक अच्छी खबर है कि आने वाले 20 तारीख के बाद हो सकता है कि आपको TV, फ्रिज और मोबाइल, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाए, वहाँ से आप परचेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। इधर रेलवे ने 94 लाख यानी 94 लाख टिकट कैंसिल किए हैं, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि जो सेकेंड फेज जो लॉकडाउन है शायद उसमें कुछ रिलैक्सेशन की थी, तो रेलवे ने उसकी बुकिंग स्टार्ट कर रखी थी, तो उन्होंने 94 लाख टिकट कैंसिल किया है। ये एक बड़ी खबर है। इधर गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू करके कहा है कि जो जूम ऐप है, जो आज की डेट में सबसे फेमस ऐप है, हर जगह वो देखा जा रहा है, हर कोई उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है, कहा गया है कि वो एक सिक्योर्ड ऐप नहीं है, तो कृपया उससे बचें। क्योंकि अगर कल का याद हो तो हमने बताया था कि जो जूम ऐप है उसके डेटा लीक हुए हैं और डार्क वेब होता है वहाँ पर उसको बेचा जा रहा है 25 लाख के आसपास में। इधर बिट्रेनिया ने कहा है कि वो अपनी कैपेसिटी के 65% पे काम कर रहे हैं ताकि एसेंशियल सप्लाई बनाए रखें और जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। यानी कि कह सकते हैं कि अभी भी इस लड़ाई में अलग अलग कंपनी अपनी तरह से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसको कोशिश करके एसेंशियल सप्लाई को मेंटेन करने की कोशिश में लगे हुए। इधर US और चाइना ने कहा है कि वो अभी इसी बात के लिए लड़ाई आपस में चल रही है कि ये जो वायरस है वो कहाँ से पैदा हुआ है। अभी तक उसके बारे में कोई सटीक जानकारी अभी तक नहीं है जो ऑफिशियली आ रहा है, क्योंकि ये तो डाउट नहीं है कि वुहान से, लेकिन उसका सोर्स क्या था, ये चाइना और US गवर्नमेंट भी अब लगी हुई है कि पहले उसके सोर्स को ट्रैक किया जा सके ताकि इस वायरस से लड़ा जा सके। तो खैर, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना ना भूलें। इसके अलावा हम सारे OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल, आप कहीं जाके आप हमें देख सकते हैं। इसके अलावा हम ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।